हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 6:27 सुबह की। मैं अभी आ चुकी हूँ मम्मी के घर, क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी भी उठी हूँ, 4 भी नहीं बजा था तब मैं उठ गई हूँ। साथ ही साथ अथर भी उठ गया था, क्योंकि कल जो है वो दोपहर में 1 बजे सोया है और शाम में जाके 6 बजे उठा है, फिर रात को 10:30 में वो सो गया है। तो सुबह तो जल्दी नींद तो खुलना ही था, तो जल्दी वो उठ चुका था, जल्दी मैंने उसको रेडी किया, फिर लाके मैंने उसको स्कूल में ड्रॉप कर दिया है। अभी मैं मम्मी के यहाँ पर हूँ और मैं अपना ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर रही हूँ आज। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से जाते टाइम सब्जी वगैरह लेके जाऊँगी, साथ में मैं भिंडी भी खरीद के लेके जाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी रेसिपी पर बनाने वाली हूँ भरवा भिंडी। आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी इसकी रेसिपी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं नीचे जाती हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी सब्जी खरीदने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से दोस्तों ब्लॉग के एंड पे, और उस बीच में रेसिपी जरूर देखना, मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, मैं अथर को स्कूल से लेके आ गई हूँ ढेर सारी सब्जियों के साथ। इन सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से धो लिया है, जैसे ही इसका थोड़ा सा पानी निकल गया मैं इसे फटाफट से एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लेती हूँ, और उसके बाद मैं एक पॉलीथिन में डाल के फिर मैं फ्रिज में रख दूँगी। फ्रेंड्स, क्या होता है ना, बाहर में बहुत ज़्यादा डस्ट रहता है तो सारा चीज़ आपकी सब्जियों पर भी बैठा रहता है, और उसे आप ला के अगर डायरेक्ट फ्रिज में रख दोगे तो आपके खाने जो रहते हैं फ्रिज में दूसरे, वो सारे खाने को इफ़ेक्ट कर सकता है। हो सकता है कि कुछ उसमें जर्म्स ही आ जाए और बाकी सारे खाने पर भी उसका असर पड़े। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, लाती हूँ सब्ज़ी, धोती हूँ, सुखाती हूँ, फिर मैं फ्रिज में डालती हूँ। और यहाँ पे ढेर सारे कपड़े जमा हो चुके हैं, सुबह सुबह ही मैं सारा कपड़ा धो के गई थी और ये सूख चुका है। इसमें से जो आयरन करने वाले कपड़े हैं इसे मैं फटाफट से आयरन कर लूँगी। और फ्रेंड्स, अभी TV पर चल रहा है महाभारत, जो कि मेरा सबसे फेवरेट सीरियल हुआ करता था, और ये अभी रिपीट टेलीकास्ट दे रहा है, तो मैं इसे देखते साथ ही साथ आप सभी के साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ भरवा भिंडी की। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है भिंडी, जो कि बहुत ही मोटी और तगड़ी है। सबसे पहले इसके अंदर का जो भी कुछ है उसे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बर्तन पे लिया है 2 बड़े चम्मच भर के बेसन, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी जीरा, थोड़े से भुने हुए जीरे का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 पैकेट मैगी मसाला। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच भर के गरम मसाला डाल दी हूँ। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। इसको डालने के बाद हम इसे हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर पानी की ज़रूरत है तो थोड़ा सा पानी आप डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसे थोड़ा देर के लिए साइड में छोड़ दें। उसी में ही सबसे पहले आपको ऐड कर लेना है दोस्तों, जो आप भिंडी के अंदर से निकाले रहते हैं ना, वो सारा चीज़ आपको पहले ऐड कर देना है। और ये आप फेंके नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि जो भिंडी के अंदर का पार्ट होता है ना, वो भी खाने का ही चीज़ है फ्रेंड्स। अगर आप उसे भी लेके भिंडी के अंदर ही भर दोगे तो भिंडी को भी बहुत खुशी होगा, क्योंकि उसके अंदर से निकला हुआ चीज़ उसी के अंदर चल जाएगा तो उसको तो बड़ी मज़ा आएगा ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने भिंडी को अच्छी तरीके से निकाल लिया था सारा चीज़। अब मैं हाथों की सहायता से धीरे धीरे करके उसके अंदर पैक कर लेती हूँ मसाला। तो इस तरीके से मैं एकदम भर भर के उसके अंदर ठूस ठूस के भर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं मसाला, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं ज़्यादा मसाला उसके अंदर भर के रखूँ, ताकि उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे मैं अभी किचन में आ चुकी हूँ। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, और तेल जैसे ही गर्म हो गया मैंने यहाँ पे भिंडियों को डाल दिया है। धीमी आंच में इसे लगातार चलाते हुए फ्राई करें। और अब मैंने पलटी भी कर लिया है, इस तरीके से मैंने सारे भिंडियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। सेलो फ्राई करें, और हमारी बन के तैयार हो चुकी है भरवा भिंडी, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है। तो इसे आप चावल डाल के साथ खाएँ, इन्जॉय करें और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएँ। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलती हूँ दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें, ढेर सारा प्यार लोगों में बांटते रहें। बाय बाय।